नमस्कार दृष्टि आई एस के जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से प्रश्न था 2019 एवी 13 क्या है रेडिएशन मिसाइल या फिर असोल्ट राइफल इसका सही जवाब ऑप्शन ए एस्टेरॉयड। नासा के अनुसार पृथ्वी हाल ही में 420 फुट चौड़े एक खतरनाक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टीर के प्रकोप से बच गई नासा के एक विभाग जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने इस विशाल का एक क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी प्रदान की है इसके अनुसार इस क्षुद ग्रह को पहली बार 2019 में देखा गया था और इसे 2019 हजार नाम दिया गया था इसलिए विकल्प ए सही है आकार में 420 फुट का यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के 502 मिलियन किलोमीटर के करीब आ गया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एस्टीर आज के सेशन का पहला प्रश्न है जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द को निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वर्ल्ड वाइड फंड विश्व आर्थिक मंच या फिर कंजर्वेशन इंटरनेशनल इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कंजर्वेशन इंटरनेशनल जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र को दो सख्त मानदंडों को पूरा करना होता है इस क्षेत्र में कम से कम एक हजार पांच सौ पौधे होने चाहिए जो उस क्षेत्र के अलावा कहीं और ना पाए जाते हो और इनका सत्तर प्रतिशत से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो और तीस प्रतिशत मूल प्राकृतिक वनस्पति विलुप्ति के कगार पर हो कंजर्वेशन इंटरनेशनल यानी सीआई ने हॉटस्पॉट की अवधारणा को परिभाषित किया है इसलिए विकल्प डी सही है 1989 में वैज्ञानिक नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट की अवधारणा को पेश करने वाले पेपर को लिखने के ठीक एक साल बाद सीआई ने इन स्थानों की रक्षा करने के विचार को अपनाया तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी कंजर्वेशन इंटरनेशनल अगला प्रश्न है शंघाई सहयोग संगठन यानी एस के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहा आयोजित की जा रही है उज्बेकिस्तान भारत चीन या फिर इस्लामाबाद इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उजबेकिस्तान भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन यानी एस के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग ले रहे हैं इस बैठक का आयोजन 23 से 25 अगस्त 2022 तक ताशकंद उजबेकिस्तान में हो रहा है इसलिए विकल्प ए सही है एस एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में की गई थी इसमें वर्तमान में आठ सदस्य चीन भारत कजाकिस्तान किर्गिस्तान रूस पाकिस्तान ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है 2021 में एक पूर्ण सदस्य के रूप में एस में ईरान के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड यानी आईओ डबल ए का पंद्रवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था प्राग डोडोमा कुटैसी या फिर नूर सुल्तान इसका सही जवाब ऑप्शन सी कुटैसी भारत ने पंद्रहवें अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड यानी आईओ में पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया तीन स्वर्ण और दो रजत पदक के साथ भारत ने सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया पंद्रवा आई ओ डबल ए से इक्कीस अगस्त 2022 तक जॉर्जिया के कुटैसी में आयोजित हुआ इसलिए विकल्प सी सही है यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड की तर्ज पर हाई स्कूल के छात्रों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसमें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के क्षेत्र शामिल हैं तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कुटैसी अगला प्रश्न है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा का आदर्श वाक्य क्या है एनर्जी फॉर एवर एनर्जी इज लाइफ एनर्जी सस्टेन लाइफ या फिर एनर्जी कनेक्ट इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एनर्जी फॉर एवर हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा ने महात्मा फूले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है इरेडा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी एम के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न श्रेणी एक उद्यम है यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसे उन्नीस में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था यह ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता संरक्षण के नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने विकसित करने और विस्तार करने का कार्य करता है इसका आदर्श वाक्य एनर्जी फॉर है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए एनर्जी फॉर अगला प्रश्न है हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और भारत ने किस राज्य में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए छियानवे दशमलव तीन मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश सही जवाब ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और भारत ने हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए छियानवे दशमलव तीन मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इसलिए विकल्प डी सही है एडीबी की स्थापना वर्ष उन्नीस में की गई थी इसका मुख्यालय फिलीपींस के मंडलू योंग में स्थित है यह सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण तकनीकी सहायता अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों और भागीदारों की सहायता करता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश अगला प्रश्न है पी फाइव शब्द किससे संबंधित है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जीन एडिटिंग टूल फाइटर जेट या फिर प्रशांत महासागर इसका सही जवाब ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बैठक में भारत ने अन्य देशों से एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का आह्वान किया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रमुख वैश्विक निकाय है परिषद के पांच स्थायी और दस निर्वाचित सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का आकलन करने के लिए नियमित रूप से मिलते हैं इसके पांच स्थायी सदस्य चीन फ्रांस रूस यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है इन्हें सामूहिक रूप से पी के रूप में जाना जाता है इसलिए विकल्प ए सही है पी फाइव के सदस्यों के पास वीटो पावर भी होती है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अगला प्रश्न है रंगना थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है केरल तमिलनाडु तेलंगाना या फिर कर्नाटक इसका सही जवाब ऑप्शन डी कर्नाटक हाल ही में रंगना थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य पर्यटकों के लिए फिर से खुल गया है यह कर्नाटक में मैसूर के पास स्थित है इसलिए विकल्प डी सही है प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली के कहने पर 1940 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था यह अभ्यारण्य कावेरी नदी के तट पर शून्य दशमलव छह सात वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ स्थित है यहाँ सबसे अधिक देखे जाने वाले पक्षी पेंटेड स्टॉक किंगफिशर फिशर डार्टर हेरानस रिवर टर्न एग्रेड्स इंडियन रोलर ब्लैक हेड आईबिस स्पून बिल ग्रेट स्टोन प्लोवर और स्पॉट बिल पैलिकन है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक अगला प्रश्न है मिस्त्री खोला लेखु खोला सोलू खोला और चिलाइम क्या है जल विद्युत संयंत्र जनजातीय समूह कोल बेल्ट या फिर द्वीप समूह इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जल विद्युत संयंत्र हाल ही में नेपाल ने अपने बिजली विनिमय बाजार के माध्यम से भारत को अतिरिक्त 111 मेगावाट अतिरिक्त बिजली बेचने का प्रस्ताव दिया है नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को चार जल विद्युत संयंत्रों के माध्यम से उत्पादित बिजली की बिक्री के लिए प्रस्ताव भेजा है ये विद्युत संयंत्र मिस्त्री खोला लिखु खोला सोलू खोला और चिलाइम है इसलिए विकल्प ए सही है फिलहाल नेपाल खुली प्रतिस्पर्धा के जरिए भारत को तीन मेगावाट बिजली का निर्यात कर रहा है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए जल विद्युत संयंत्र अगला प्रश्न है बेंट टोड गैको की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय या फिर पश्चिमी हिमालय इसका सही जवाब ऑप्शन बी पश्चिमी घाट हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह ने पश्चिमी घाट में अगत्य मलाई पहाड़ियों से बैन टोड गैको की एक नई प्रजाति की खोज की है इसलिए विकल्प भी सही है जाने माने मेलाकोलॉजिस्ट एन ए अरविंद के नाम पर इस प्रजाति को अरविंद ग्राउंड जैको दिया गया है इसका वैज्ञानिक नाम साइरोडेक्टाइलस अरविंदी है यह अब तक केवल दो स्थानों मुपंडल और थुकले में पाया गया है जो तमिलनाडु में अगत से मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर आते हैं तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी पश्चिमी घाट अंतिम प्रश्न है भारत की जैव विविधता के संदर्भ में रिवर टर्न लिटिल टर्न लिटिल रिंग्ड प्लोवर, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट प्रिटिन प्रिटिनकोल स्मॉल प्रिटिनकोल और रेड वॉल्टेड लैप विंग क्या हैं? मछलियां कछुए सरिस्प या फिर पक्षी इसका सही जवाब ऑप्शन डी पक्षी सैकड़ों पक्षी शिकारियों से बचने के लिए अनुकूल जमीन के तौर पर ओडिशा के संबलपुर जिले में हीराकुंड जलाशय में पानी से घिरे द्वीपों का उपयोग करते हैं रिवर टर्न लिटिल टर्न लिटिल रिंग्ड फ्लोवर ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट ओरिएंटल प्रिटिनकोल छोटे प्रिटिनकोल और रेड वॉल्टेड लैपविंग पक्षी प्रजातियां हैं इसलिए विकल्प डी सही है इन्हें हर साल हीराकुंड जलाशय के अंदर ग्राउंड नेस्टिंग के लिए देखा जाता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी पक्षी आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एम समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई सुरेश पवार कीर्ति सिंह गंगवार राजीव कौशिक या फिर संजय अग्रवाल इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड